बाइक पर 5 दिन की सवारी करने के बाद मैं फाइनली हिमाचल प्रदेश पहुंचा और आज मनाली के लिए रवाना हुआ। Day 6 all set for मनाली। मेरी अपनी यात्रा खरड़ से शुरू की और यहां से मनाली की दूरी लगभग 290 किलोमीटर है और दो पहाड़ों के बीच बहता हुआ पानी बहुत ही सुंदर दृश्य था। इन सड़कों पर अकेले सवारी करना बेहद मजेदार था। कहते हैं कि जो लोग पर्वत शिखरों की यात्रा करते हैं वे आधे अपने आप से प्यार करते हैं और आधे गुमनामी के प्यार में। जब मैं कुल्लू से गुजर रहा था मेरी नजर पड़ी एक ऑरेंज वैन पर जिसमें लिखा था मोमोज ऑन व्हील्स। मैंने अपनी बाइक तुरंत रोकी और मोमोज का आनंद लूटा। तो आई हैव ओजस विद मी माय लिटिल फ्रेंड मनाली जा रहा सो दिस इज सिड्डू वॉलनट स्टफिंग इनसाइड दिस हिमाचल डेलिकेसी। मनाली पहुंचने के बाद मैं एक यात्री से मिला, उसका नाम राज था, जो अपने घर वापसी जा रहा था। उसने AMS पे कुछ टिप्स के साथ मेरी मदद की। फिर मैं दो गजब के बंदों से मिला जिन्होंने 4 महीने पहले अरुणाचल प्रदेश से अपनी यात्रा शुरू की थी। शाम के 6 बज रहे थे और मैं सोच रहा था क्या मैं अपनी यात्रा का अधिक हिस्सा कवर कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें खुद देखना वाकई एक अद्भुत अनुभव था। उन पर तिब्बतीयन प्रेयर फ्लैग्स कितने रोमांचक लग रहे थे। एक तिब्बती प्रार्थना ध्वज एक रंगीन कपड़ा है जो अक्सर हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाया जाता है। वेलकम टू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबाउट 10,000 feet। क्योंकि बादल छाए हुए थे इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ज्यादा सवारी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने अटल सुरंग को पार करने के बाद तय किया कि मैं रुकूंगा और कल शुरू करूंगा। बारिश भी हो रही है, अब मेरी फट रही है, ये है मेरा ट्रू एडवेंचर। रात में बूंदाबांदी शुरू हुई और इन परिस्थितियों में सवारी करना बेहद मुश्किल था। हालांकि मैं सुरक्षित रूप से हिलोंग में पहुंच गया। होटल में आते ही इस प्यार से कुत्ते ने हमारा स्वागत किया।